रिवोल्ट कंपनी को तो आप लोग सभी जानते हैं जो इंडियन कंपनी है, और मैं ये बता दूं रिवोल्ट कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक है जो RE 400 है, आप लोगों ने काफ़ी बार इंडियन रोड पे देखी होगी। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये एक इंडियन कंपनी है ये आपको पता ही होगा, लेकिन इसके जो ऑनर है ये माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा जी की कंपनी है, और रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प के पोर्टफोलियो में इस समय सिर्फ 2 बाइक अवेलेबल हैं, वो भी इलेक्ट्रिक बाइक, और उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इंडियन मार्केट में। और रिवोल्ट की जो 2 बाइकें हैं वो हैं RV 300 और RV 400। अब लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग रिवोल्ट मोटर्स के प्रमोटर रतान इंडिया इस साल किफायती RV 300 इलेक्ट्रिक बाइक को नई RV 1 इलेक्ट्रिक बाइक में बदलने की योजना बना रही है। आने वाली जो रिवोल्ट RV 1 है वो काफ़ी सस्ती बाइक होने वाली है, वो भी इलेक्ट्रिक। हालांकि इसकी स्पेसिफिकेशन से फिलहाल अभी कोई पर्दा उठाया नहीं है कंपनी ने, लॉन्च के लिए जो एग्जैक्ट टाइमिंग है इसकी भी कोई ऐसी जानकारी दी नहीं है, लेकिन इतना बताया है रिवोल्ट कंपनी ने कि रिवोल्ट RV1 का जो प्रोडक्शन है वो अगले साल जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जनवरी 2022 से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिवोल्ट के जो प्रमोटर हैं अंजलि रतन, इन्होंने कहा है कि इस साल दिसंबर तक हमारा जो प्रोडक्शन है पूरी तरह से मेक इन इंडिया बन जाएगा, मतलब अब रिवोल्ट इलेक्ट्रिक बाइक के जितने ही पार्ट्स हम सारे एक सारे अब इंडिया में बनेंगे, ये चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। नई बाइक का जो प्रोडक्शन है वो जनवरी 2022 में वो स्टार्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। रतन ने आगे यही बताया है कि रिवोल्ट मॉडल की इलेक्ट्रिक बाइक की मांग बढ़ रही है, और यही कारण है कंपनी पिछले 2 महीने से कई बार बुकिंग को रोक चुकी है। मैं आपको ये बता दूं कि RV 300 को कंपनी ने पिछले कई महीनों से सेल के लिए सामने किया ही नहीं है, लेकिन RV 400 की जो बुकिंग है खुलने के कुछ समय के बाद ही तुरंत बंद करनी पड़ेगी थी इनको, क्योंकि इनकी डिमांड कुछ ज़्यादा हाई हो गई थी, पेट्रोल की कीमतें जितनी बढ़ गई उस हिसाब से, सबको पता है ना 100 पहुंच गई इंडिया में। अंजलि रतन ने ये भी बताया कि कंपनी का जो एम है अगले 5 सालों में सालाना 5 लाख बाइक बनाने का है। सरकार की फेम 2 जो पॉलिसी है के अंदर जो लेटेस्ट बदलाव है उसके बाद रिवोल्ट RV 400 की कीमत में काफ़ी गिरावट आई है, और इसकी जो कीमत है प्रेजेंट में वो 90,799 रुपये है एक्सशोरूम दिल्ली के अंदर। और जो आने वाली बाइक है रिवोल्ट कंपनी की, मतलब अपकमिंग बाइक से जो, उसकी कीमत पर उन्होंने कहा है कि ये 75,000 से 80,000 रुपये के बीच में कहीं हो सकती है, ऐसी उन्होंने संभावना जताई है। रिवोल्ट RV 1 को पूरी तरह से इंडिया के अंदर बनाया जाएगा, और इसका कोई पार्ट आउट ऑफ इंडिया से इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। बाइक को हरियाणा के मानेसर के प्लांट के अंदर बनाया जाएगा। इंडिया के अंदर बाइक को मैन्युफैक्चर करना बाइक की जो कॉस्ट है कस्टमर्स के लिए उसको कम करने में काफी मदद करती है। रिवोल्ट कंपनी ने 25 जुलाई को अनाउंसमेंट की थी कि जो डोमिनोज पिज्जा है वो रिवोल्ट मॉडल की RV 300 बाइक को सारी खरीद रहा है, मतलब सारा स्टॉक खरीद रहा है अपने डिलीवरी बॉयज के लिए, क्योंकि भैया डोमिनोज कंपनी को भी पेट्रोल महंगा पड़ रहा है, उनका भी बजट से ऊपर जा रहा है, इसलिए वो सारी इलेक्ट्रिक बाइक पे स्विच कर रहे हैं। डोमिनोज ने सोचा कि हाँ भैया हमारा पैसा बच जाएगा। तो भैया रिवोल्ट कंपनी तो अपनी नई बाइक RV 1 लाने वाली इंडियन मार्केट में 2022 में, ये इन्होंने कन्फर्म कर दिया है, क्योंकि इनकी कंपनी के एक प्रमोटर है उन्होंने ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है, और इसकी प्राइस भी 75,000 से 80,000 रुपये के बीच में कहीं जाएगी, वो भी अश्योर हूँ। बाकी अगर इसके बारे में और कोई न्यूज़ आती है तो मैं अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर डाल दूँगा, आप लोग मेरे को वहाँ पर फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।